हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। अपन केमिस्ट्री पंच के 18 एपिसोड आपको मिल चुके हैं। अब आज बात करेंगे अपन 19वें एपिसोड की। केमिस्ट्री पंच का 19वां एपिसोड आपका है। टॉपिक रहेगा अपना मेटलर्जी। क्लियर। इसमें भी वही है अपना 75 क्वेश्चन अपन ने सेलेक्ट किए हैं और उसके बेस पे ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर अपन ने उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आ जाइए पहला क्वेश्चन। सिनेबार इज एन और ऑफ। जो सिनेबार है वो किसका है? एस का है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिनेबार, तो किसका और है ये? मरकरी का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल ऑफ आयरन। आयरन का मिनरल आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पहला आता है मेलेकाइट। क्लियर। तो मेलेकाइट आपको पता है क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका क्या है? मेलेकाइट। तो ये तो कॉपर का और हो गया, इसका मतलब ये आंसर तो आपका नहीं है। नेक्स्ट बात करें केसिटेराइट, तो ये टिन का और होता है आपका, तो ये भी नहीं है। पायरोल्यूसाइट MnO2, ये मैग्नीज का और है। फिर आता है आपका मैग्नेटाइट, तो ये बिल्कुल आपका Fe3O4, ये तो है मैग्नेटाइट। एक होता है आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट होता है Fe2O3। तो आयरन का और आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना था, तो अपना आंसर रहेगा कौन सा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल्स आर यूजुअली नॉट फाउंड एज नाइट्रेट इन दियर ओर्स। नाइट्रेट्स के रूप में जो होती हैं मेटल्स, वो क्यों नहीं मिलती है नाइट्रेट और में? तो सिंपल सी चीज, जो नाइट्रेट और होते हैं, चाहे एस ब्लॉक का हो नाइट्रेट कंपाउंड, चाहे वो डी ब्लॉक का हो, चाहे पी ब्लॉक का, किसी भी मेटल का नाइट्रेट कंपाउंड हो, वो वाटर सोल्यूबल होता है। इस वजह से वो अर्थ क्रस्ट में पाई नहीं जाती। तो आपका यहाँ पे दे रहा है मेटल नाइट्रेट आर हाईली अनस्टेबल, नहीं स्टेबल होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली सोल्यूबल, बिल्कुल ये वाटर में सोल्यूबल है। क्लियर। तो आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, सेकंड वाला सही है। तो ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विच इज नॉट ए मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। आपको यहाँ पे देखना है एल्यूमिनियम का मिनरल्स कौन सा है? एनाइड्राइड, ये आपका कैल्शियम सल्फेट होता है। क्लियर। फिर आ जाए बॉक्साइट, आपको पता है बॉक्साइट Al2O3.2s2, तो ये एल्यूमिनियम का है। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला एल्यूमिनियम का नहीं है। बाकी और देख लेते हैं। कोरंडम आपका क्या होता है? Al2O3, ये भी एल्यूमिनियम का है। डाइसपर, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ये भी किसका है? आपका एल्यूमिनियम का और है। तो आपका कौन सा है जो एल्यूमिनियम का और नहीं है? एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। केलेमाइन, केलेमाइन जिंक कार्बोनेट होता है, ये तो जिंक ब्लेंड हो गया। तो आपको किसके साथ जाना है भाई? ये और है, उनके फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरंडम, अभी बताया था कोरंडम क्या होता है? Al2O3। क्लियर। ये तो आपका कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये नहीं। तो आपका कौन सा है? कोरंडम की बात कर रहा है, Al2O3। नेक्स्ट। Which of the following statement is incorrect? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पहला कह रहा है सिल्वर ग्लैंस मेनली कॉन्टेन सिल्वर सल्फाइड, तो सिल्वर ग्लैंस सिल्वर सल्फाइड है क्या? बिल्कुल Ag2 है, सिल्वर सल्फाइड है। आगे गोल्ड इज फाउंड, बिल्कुल नेटिव फॉर्म में। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, जैसे प्लेटिनम हो गया, पेलेडियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये जनरली आपको ऑलमोस्ट नेटिव फॉर्म में मिलेंगे। नेटिव का मतलब होता है फ्री स्टेट में, एलिमेंटल फॉर्म में आपको मिलेंगे। क्लियर। फिर आता है जिंक ब्लेंड मेनली कॉन्टेन जिंक क्लोराइड, ये गलत है, क्योंकि जो जिंक ब्लेंड होता है आपका वो क्या होता है? जिंक सल्फाइड। सल्फाइड और है, नहीं कि ये क्लोराइड और है। तो आपको यहाँ पे देखना था इनकरेक्ट कथन, असत्य ढूंढना था। तो असत्य कथन आपका कौन सा है? थर्ड। फिर कॉपर पायराइट, बिल्कुल CuFeS2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यूं लिख सकते हैं Cu.FeS। क्लियर। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखना है, Fe बताया था Fe3O4, ये रहा मैग्नेटाइट। ये तो आपका आयरन पायराइट हो जाएगा, यह आपका हेमेटाइट है, यह आपका सिडेराइट है। तो आपको तो यहाँ पे क्या देखना है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का कौन सा रहेगा, क्लियर? ये नहीं है क्योंकि ये किसका है, हेमेटाइट, ये किसका है, सिडेराइट। ये सिडेराइट और ये आपका आयरन पायराइट। क्लियर? तो आपका कौन सा होगा, मैग्नेटाइट का, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज मोस्ट एविडेंट इन अर्थ क्रस्ट येट इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट बिकॉज। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर भी बॉक्साइट से क्यों लेते हैं? हमेशा ध्यान रखना, मेटलर्जी में वो और यूज किया जाता है जो आपको नेचर में ज्यादा से ज्यादा मिले और उसका इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली आपका मेटल्स को वहां पे मतलब कि प्राप्त करना सस्ता और आसान हो, वो काम में लिया जाता है। और तो आपका ये कौन सा है, बॉक्साइट, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। क्लियर? हाँ, ये बात भी इसके लिए वैसे सही है, इजी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बड़ी आसानी से हो जाता है, सस्ता भी पड़ता है और ज्यादा क्वांटिटी में होती है। ऐसे और भी हैं, जैसे हेमेटाइट हो गया, लेकिन सॉरी एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे कोरंडम भी होता है लेकिन वो नेचर में कम मिलता है, इससे भी सस्ता तरीका है कोरंडम से एल्यूमिनियम लेना। तो बॉक्साइट का यूज करने का मेन तो यही है रीजन कि वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द और कार्नेलाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्नेलाइट KCl, MgCl2, 6H2O, डबल सॉल्ट होता है आपका ये। तो ये आपका कौन सा हो गया, क्लियर? ये तो आपको पता है क्रायोलाइट है, ये आपको पता है क्या है, मैग्नेटाइट है। क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो अब क्वेश्चन नंबर 11, एन एग्जाम्पल ऑफ हेलाइडोर। हेलाइडोर का एग्जाम्पल लेना है, तो पहला तो क्या हो गया, गैलेना PBS, तो ये तो सल्फाइड और है। बॉक्साइट ये आपका कैसा है, ऑक्साइड और है। क्रायोलाइट Na3AlF6, बिल्कुल ये हेलाइड और, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं Na3AlF6। तो आपका हेलाइड और कौन सा हो गया। सिनेबार ये आपका है, ये आपको पता है HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो ये भी सल्फाइड और है। तो आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट ऑक्साइड और ऑफ आयरन, आयरन का इंपॉर्टेंट और बताना है, वही ऑक्साइड और। आ जाओ हेमेटाइट, बिल्कुल हेमेटाइट से इसको प्यूरिफाई किया जाता है। मेटलर्जी के लिए कौन सा, हेमेटाइट यूज करते हैं आयरन की मेटलर्जी में। तो फर्स्ट आपका हो गया पायराइट, तो पायराइट आ जाओ FeS2, अगर आयरन पायराइट की बात करें तो। क्लियर? एक होता है कॉपर पायराइटिस, तो CuFeS2, ये लो, कहने का मतलब ये तो यूज नहीं है यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए। सिडेराइट आयरन का ये कार्बोनेट और है, जबकि पूछा क्या है, ऑक्साइड और पूछा है। आयरन का यही है लेकिन कैसा है, कार्बोनेट और। फिर आ जाओ मेलेकाइट, ये हो गया मेलेकाइट, कॉपर का और है। एक होता है एजुराइट, एजुराइट में बस आपको यहाँ 2 लगा देना है, वो एजुराइट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या पूछा है यहाँ, मेलेकाइट, तो मेलेकाइट का ये हो गया। समझ रहे हो ना, कॉपर का और। तो कौन सा है, ऑक्साइड और, आयरन का फर्स्ट। नेक्स्ट, मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ, धातुक्रम एक प्रक्रिया है, सिंपल सी चीज, और से मेटल। तो आ जाओ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स फ्रॉम द और से प्योर मेटल कैसे आप अचीव करते हो, कैसे मेटल आप प्राप्त करते हो, वो प्रोसेस ही आपकी मेटलर्जी कहलाती है। इसमें जितने प्रोसेस है वो कंसंट्रेशन हो, रोस्टिंग हो, कैल्सिनेशन हो, समझ रहे हैं ना आप, एस मेल्टिंग हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो, क्लियर, या प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग का कोई मेथड, वो सारे मेटलर्जी के ही प्रोसेस हैं। तो आपका आंसर होएगा थर्ड। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट, अभी बताया था हेमेटाइट का फॉर्मूला कौन सा है, ये रहा। ये तो आयरन पायराइट का हो गया, ये आपका मैग्नेटाइट का हो गया और ये आपका किसका हो गया, सिडेराइट का हो गया। समझ रहे, ये तो किसका हो गया सिडेराइट, ये किसका हो गया मैग्नेटाइट, ये किसका हो गया पायराइटिस और ये है आपका हेमेटाइट। क्लियर। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट, कौन सा सत्य है? तो आ जाइए, केलेमाइन में क्या एल्यूमिनियम मिलता है? तो केलेमाइन तो आपका क्या है ZnCO3, तो इसमें तो जिंक मिलेगा, तो फर्स्ट वाला तो फॉल्स है। मेलेकाइट, बिल्कुल मेलेकाइट कॉपर का है, CuCO3 और Cu कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्लियर। फिर आ जाओ मैग्नीशियम का केलेमाइन, केलेमाइन अभी बताया था जिंक का है, तो ये भी फॉल्स है, अभी तक तो ये सही है। कार्नेलाइट, तो ये तो मैग्नीशियम का है, तो कौन सा सही है आपका सेकंड, यहां पे सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट, हाँ, द चीफ इंप्योरिटी प्रेजेंट इन रेड बॉक्साइट, रेड बॉक्साइट में ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी इंप्योरिटी होती है? तो आपके बॉक्साइट दो प्रकार का होता है, एक तो रेड और एक वाइट। वाइट में तो सिलिका की इंप्योरिटी ज्यादा होती है और इसमें Fe2O3 की इंप्योरिटी ज्यादा होती है, तो आंसर रहेगा ये। रेड बॉक्साइट में इंप्योरिटी Fe2O3 हेमेटाइट की और व्हाइट बॉक्साइट में SiO2 की, SiO2 है सिलिका, ये इंप्योरिटी रहेगी। नेक्स्ट, ऑल और आर मिनरल्स, ये कह रहा है कि जितने भी और हैं सारे मिनरल्स हैं, ये वाइल कर लेना इसको। वाइल ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑर्स बिकॉज, ये कह रहा है कि जितने भी और हैं सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मिनरल्स और हों। तो सबसे पहले देखो अर्थ क्रस्ट जो निकाला वो मिनरल्स है, अब इसमें जो भी मोटा मोटी ज्यादा इंप्योरिटी होती है उसको अलग कर दो। क्लियर है, तो इंप्योरिटी अलग होगी, उसके बाद में और मिलता है, मतलब और कौन सा है, मतलब कि वो मिनरल्स और होते हैं सिर्फ जिनसे सस्ते और आसान तरीके से ज्यादा मेटल को आप अचीव कर सके। जैसे सोयल है, उसमें भी एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट में भी एल्यूमिनियम है, लेकिन जब दोनों से एल्यूमिनियम लेंगे ना तो मिट्टी से आपको एल्यूमिनियम कम क्वांटिटी में मिलेगा और खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मिट्टी सिर्फ आपका मिनरल्स है वहां पे, जबकि बॉक्साइट से अच्छी क्वांटिटी में एल्यूमिनियम मिलता है, सस्ते तरीके से मिल जाता है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का और है, जबकि मिट्टी सिर्फ मिनरल्स है, जबकि सोयल और बॉक्साइट दोनों है तो मिनरल ही ना, तो एक मिनरल तो और की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है जितने भी और हैं वो मिनरल्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मिनरल्स और हो। तो देखो ये रहा, द मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फ्रॉम द ऑल मिनरल, सभी मिनरल से मेटल्स का प्यूरिफिकेशन सस्ता नहीं होता, सुगमता से नहीं होता, तो इस वजह से ये हो गया रीजन। बाकी और भी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड, तो ये कोई बात नहीं, और भी आपका अर्थक्रस्ट से ही आता है। नहीं भाई, ये दो तो मैं ऑलरेडी इनकरेक्ट कर चुका हूं, इसका मतलब अपना फर्स्ट। नेक्स्ट, Of the following substance, the one which does not contain oxygen, ये जो दे रहे हैं इनमें देखो ऑक्सीजन किसके पास नहीं है, आपको पता है बॉक्साइड Al2O3.2H2O इसके पास तो ऑक्साइड है, लेकिन आपको पूछा है नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो है। फिर आ जाओ क्रायोलाइट, तो आपको पता है Na3AlF6 इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, तो ये रहा ऑक्सीजन है इसमें बिल्कुल। डोलोमाइट MgCO3CaCO3 ये हो गया आपका डोलोमाइट, तो इसमें भी ऑक्सीजन है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड इज। क्लियर। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द आइटम ऑफ कॉलम सेकंड एंड असाइन द करेक्ट कोड। ठीक है, कॉलम फर्स्ट से सेकंड से मैच करना है। तो आ जाओ, साइनाइड प्रोसेस किसके लिए काम में लेते हैं? Ag और Au के लिए काम में लेते हैं कि नहीं लेते, कैसे याद करो? जैसे AU हो गया इम्प्योर है, इसके साथ क्या मिला दिया आपने NaCN मिला दिया तो क्या बन जाएगा क्लियर। फिर इसमें आपने क्या मिला दिया जिंक के टुकड़े तो क्या आ जाएगा Na2ZnCN4 प्लस AU प्योर आ गया ना, यही मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस है। क्लियर। तो साइनाइड प्रोसेस किसके लिए Ag और AU के लिए, तो ये रहा AU तो फर्स्ट में तो आ जाएगा आपका फोर्थ। फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड और के लिए काम में आता है, ये रहा सल्फाइड और, तो इसके लिए आ जाएगा सेकेंड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एल्यूमिनियम के लिए काम में आता है, ये रहा एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फिर ज़ोन रिफाइनिंग सेमीकंडक्टर्स के लिए आता है, ज़ोन रिफाइनिंग कहाँ गया ये रहा, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट। क्लियर। ज़ोन रिफाइनिंग याद है ना, इसके अंदर प्रिंसिपल क्या है कि जो इंप्योरिटी होती है ना वो सॉलिड की बजाय लिक्विड स्टेज मतलब मोल्टन स्टेट में ज्यादा सोलेबल होती है। क्लियर। तो ये ज़ोन रिफाइनिंग, तो ये सेमीकंडक्टर्स के लिए आ जाता है जनरली, ठीक है, मतलब कि 13 और 14 ग्रुप वाले के लिए। तो आ जाओ फर्स्ट में फोर्थ, फर्स्ट में फोर्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। अपना फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ, तो वही सल्फाइड और के लिए आता है, ये रहा फ्रॉथ फ्लोटेशन। क्लियर। फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होता है, ये इस बेस पे डिपेंड करता है कि और इम्प्योरिटी इनकी वेटिंग नेचर अलग होती है, मतलब और तो आपका ऑयल में सोल्यूबल होता है जबकि आपकी इम्प्योरिटी किस में सोल्यूबल होती है, वाटर में सोल्यूबल होती है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है फ्रॉथ फ्लोटेशन, समझ लो यही तो होता है ना। एक कंटेनर लिया जाता है, उसमें फ्रॉथिंग एजेंट फ्रॉथ स्टेबलाइजर ये मिला करके एक सोल्यूशन बना लिया जाता है, तो जो भी आपका और होता है उसके चारों तरफ जो पाइन का ऑयल है उसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट एडजॉर्ब हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा, और वाटर सोल्यूबल पार्ट बाहर की तरफ। फिर फ्लोटिंग एजेंट आएगा वो आपके इससे जुड़ करके इसको फ्लोट कर लेगा, ऐसे मिसेल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो और का पार्टिकल अलग आ जाएगा और इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी। तो ये किसके लिए काम में लेते हैं, सल्फाइड और के लिए। क्लियर। नेक्स्ट। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज सक्सेसफुल इन सेपरेटिंग इम्प्योरिटी फ्रॉम और बिकॉज। अभी मैंने बताया था आपका कि जो और होता है उसकी वेटिंग नेचर ऑयल में ज्यादा होती है। तो आ जाओ पहला, द प्योर और इज लाइटर देन वाटर कंटेनिंग एडिटिव लाइक पाइन ऑयल क्रिस्टल। नहीं, लाइट होने से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ये तो गया। द प्योर और इज सोल्यूबल, नहीं वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, ये भी गया। द इम्प्योरिटी आर सोल्यूबल इन वाटर कंटेनिंग एडिटिव लाइक पाइन ऑयल, नहीं ये भी नहीं है। फिर आपका द प्योर और इज नॉट इजीली विटेड, हाँ ये रहा, बाय वाटर पाइन ऑयल वगैरह। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये तो ये कह रहा है कि वाटर में जब इम्प्योरिटी विले होती है जब आप ये मिलाते हो, ऐसा कुछ नहीं है इम्प्योरिटी ये न मिलाओगे तो भी वाटर में डिजोल्व होगी। एक्चुअली फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होता है, जब पाइन ऑयल और क्रिसाइल ऑयल मिला दिया जाता है ना तो उसके अंदर और डिजोल्व होता है, ये है मेन चीज। तो ये रहा देखो, जो आपका प्योर और है ना वो इजीली वाटर में डिजोल्व नहीं होता है जब ये मिला दिया जाता है। क्यों वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो और है वो इसके साथ डिजोल्व हो जाएगा, अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट। डिफरेंस इन डेंसिटी इज द बेसिस ऑफ, अगर मान लो इम्प्योरिटी और इन दोनों की डेंसिटी में डिफरेंट हो तो कौन सा मेथड काम में लेंगे कंसंट्रेशन के लिए, तो आ जाइए। ये सरफेस एरिया ले लो, ये नत समतल सा हो गया एक, ठीक है, स्लोप वाला एरिया। अब क्या किया जाए, जो भी और है उसका वाटर में सॉल्यूशन बना के यहां मिलाओ, जब ये यहां से इस पे डिजोल्व होगा, सॉरी मतलब कि जो भी आपका और है वाटर में उसका सॉल्यूशन मिलाओ और यहाँ पे गिराओ। जब ये फ्लोट होते हुए आएगा तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो तो पहले रुक जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी तो वो आगे जाके रुकेगा। तो और आपकी इंप्योरिटी अलग अलग हो जाएगी। मतलब कि मान लो और की डेंसिटी ज्यादा है तो और यहाँ रुक गया, इंप्योरिटी आगे चल गई। तो इस पर डेंसिटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे, मतलब आप किसको यूज में ले रहे हो ग्रेविटेशन फोर्स को, तो ये ग्रेविटी सेपरेशन होता है। तो डेंसिटी अगर अलग हो इंप्योरिटी की और की तो उनके लिए ग्रेविटी सेपरेशन काम में लिया जाता है, जिसको हाइड्रोलिक मेथड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक मेथड, या लेविगेशन भी इसी के लिए काम में लिया जाता है। तीन नाम हो सकते हैं इसके, लेविगेशन, हाइड्रोलिक मेथड और ग्रेविटी सेपरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। आयरन और इज कंसंट्रेटेड बाय, आयरन और किससे कंसंट्रेट किया जाता है? आयरन है तो यह मैग्नेटिक से ट्रीटमेंट से अलग होगा। कैसे? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट देंगे इसमें। ये मतलब चुंबक मैग्नेट के बने हुए पहिए होते हैं, ठीक है। अब इनको रोटेटर से घुमाएंगे, ऊपर बेल्ट लगा होता है, और को यहां से इसके ऊपर गिराएंगे, जैसे और को यहां गिराती है तो और आगे जाएगा। अब जो और मैग्नेटिक नेचर रखता है, या मान लो इंप्योरिटी आपकी मैग्नेटिक और नेचर रख रही है तो वो मैग्नेट से चिपक जाएगी। इंप्योरिटी जैसे ही मैग्नेट से ये बेल्ट अलग होगा, यहाँ पर इंप्योरिटी इकट्ठी हो जाएगी। और मान लो कि और आपका मैग्नेट से अट्रैक्शन नहीं रखता तो इससे चिपकेगा नहीं, तो स्पीड की वजह से वो यहाँ आके जाके गिर जाएगा। और अगर मान लो और में मैग्नेटिक नेचर है तो और यहाँ आ जाएगा और इंप्योरिटी आगे चली जाएगी। मतलब कि अगर और इंप्योरिटी दोनों में से एक मैग्नेटिक नेचर रखता हो तो उनके लिए हमेशा मैग्नेटिक ट्रीटमेंट काम में लिया जाता है। तो अगला बोल रहा है आयरन और है, और आयरन और में जो इंप्योरिटी है मान लो कि वो कैसी है? क्लियर? मैग्नेटिक नेचर की नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, लीचिंग देखो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मेथड में क्या होता है? मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। कैसे बढ़ाओगे? जो आपका ओर है उसमें से इंप्योरिटी निकालो, तो इंप्योरिटी निकालोगे तो ज्यादा क्वांटिटी में कौन बच जाएगी? मेटल। तो इस वजह से इस मेथड को कंसंट्रेशन मेथड कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। इसके लिए चार मेथड काम में लिए जाते हैं। पहला मेथड आपका कौन सा हो गया? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जो सल्फाइड ओर के लिए काम में आता है। दूसरा आ गया लेविगेशन, जिसको हाइड्रोलिक मेथड भी कहा जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है। यह किसके लिए काम में लिया जाता है? जब इंप्योरिटी और दोनों की डेंसिटी में ज्यादा डिफरेंस हो तब लेविगेशन, पीछे वाले में समझ लिया। फिर एक आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, जो मैंने अभी बताया कि इंप्योरिटी या फिर और दोनों में से एक क्या हो? मैग्नेटिक नेचर रखता हो, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, सिर्फ एक, दोनों अट्रैक्ट होंगे तो फिर अलग नहीं कर सकते। क्लियर? तो उनके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर एक आता है फोर्थ मेथड, लास्ट, लीचिंग मेथड जिसको कहा जाता है, या फिर केमिकल रिएक्शन भी जिसको कहा जाता है, या केमिकल मेथड मान लो। क्लियर? उसमें क्या होता है देखो, तो ये कंसंट्रेशन का, ये अगला ये तो पूछा ना कैसा है, तो कंसंट्रेशन का। तो लीचिंग मेथड देखा जाए, एक तो एल्यूमिनियम के लिए काम में लिया जाता है, बॉक्साइट ओर के लिए। कौन से? बेयर, होल, सरपेक, तीन लीचिंग मेथड है। किसके लिए? एल्यूमिनियम के कंसंट्रेशन के लिए। एल्यूमिनियम में भी कौन से ओर से? बॉक्साइट ओर से। इसी प्रकार जो आयरन है, सॉरी गोल्ड है और एजी है, उसके लिए आप साइनाइड प्रोसेस काम में लेते हो, तो वो भी एक लीचिंग मेथड ही है। तो वो कंसंट्रेशन मेथड है सारे के सारे। क्लियर? तो ये हो गया सेकंड आंसर। नेक्स्ट, साइनाइड प्रोसेस इज यूज, अभी बताया था एयू और एजी के लिए साइनाइड प्रोसेस काम में ली जाती है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। आप समझ लो इसको यूं, जैसे एजी है, इंप्योर है, आप इस पर NaCN मिला दो तो आपका क्या बन जाएगा? बाकी वो वाटर और O2 की प्रेजेंस में, वो इसके अलग अलग इश्यू हैं, ठीक है। ये लो, चाहे लो Ag2S हो गया O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? AgNa2SO4। क्लियर? फिर इसमें क्या किया जाएगा? जिंक के टुकड़े मिला दिए जाएंगे, तो Na2ZnCN4 और साथ में क्या मिल जाएगा? Ag। ये कैसी है? प्योर, इंप्योरिटी यहीं रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे गोल्ड के लिए लें, गोल्ड की रिएक्शन अपन पीछे लिख चुके हैं। तो ये मेथड किसके लिए काम में आता है? गोल्ड और एच के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ पोटेशियम एथिल जेनथेट। पोटेशियम एथिल जेनथेट का फंक्शन क्या होता है इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर है आपका पोटेशियम एथिल जेनथेट बोल दो या सोडियम एथिल जेनथेट भी आप पे काम में ले सकते हैं। क्या रोल होता है इसको? तो ये वाटर रिपेलेंट का काम करता है, ये फ्लोटिंग एजेंट है, मतलब कि मिसेल बन जाता है ना, तो मिसेल की जो बाहर डायमीटर होती है, ठीक है, सॉरी पेरीमीटर, ठीक है, जैसे ये मिसेल फॉर्मेशन हो गया इसके चारों तरफ, ठीक है, तो यहाँ आके ये जुड़ेगा सोडियम एथिल जेनथेट या पोटेशियम, मतलब ये वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर को मतलब क्या करेगा? रिपेल करेगा और इसको फ्लोट करके ऊपर ले आएगा, मतलब एक प्रकार से फ्लोटिंग एजेंट है ये। तो आपका कौन सा आ जाएगा? सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट, अपन 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना है फैन उत्प्लावन विधि द्वारा एस का साधारण प्रायोगिक अनुप्रयोग दर्शाता है, मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है वो कंसंट्रेशन ऑफ और इन इल्यूट्रेशन ऑफ दी पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ। तो अभी बताया था मैंने कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एडजॉर्प्शन पे। कैसे? इसके अंदर क्या होता है, ये आपका और होता है ना, उसके ऊपर पाइन के ऑयल का पाइन का ऑयल होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट इसके चारों तरफ, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा और ये मिसे, तो ये इसके साथ एडजॉर्ब होगा, मतलब जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जमा होता है तो उसको एडजॉर्प्शन कहा जाता है। अगर सिर्फ उसके बल्क में चला जाता है, अंदर चला जाता है, बाहर कुछ भी नहीं है, इसको आप एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और अगर अंदर भी चला गया बल्क में और सरफेस पे, उसको सोर्प्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो काम है एडजॉर्प्शन, मतलब कि जो और है ना सिर्फ उसकी सरफेस से जाके चिपकेगा कौन? ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो एडजॉर्प्शन पर काम करता है, अधिशोषण पे, अधिशोषण एडजॉर्प्शन। क्लियर? ये तो तब होता है जब बल्क में चला जाता, अंदर चला जाता हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। फिर कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब होता है नीचे बैठना, पहन जमना, ठीक है, ये एक ही बात है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम ए वोलेटाइल कंपाउंड, वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम ए वोलेटाइल कंपाउंड एंड दिस प्रॉपर्टी इज टेकन एडवांटेज फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन दी मेटल इज। यह कह रहा है कि अगर कोई मेटल है वो वाष्प शील यौगिक बनाती है, देखो वोलेटाइल कंपाउंड बनाती है, तो ये गुण उसके निष्कर्षण के लिए लाभदायक है। ये कौन सी धातु है जिसका निष्कर्षण ऐसे होता है? इसमें क्या होता है, मान लो कि कोई मेटल है, उसमें ऐसी इंप्योरिटी है, जो इंप्योरिटी भी नॉन वोलेटाइल है और मेटल भी नॉन वोलेटाइल है, तो इसको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या किया जाता है, एक ऐसा सब्सटेंस बाहर से मिलाया जाता है, वो इसके साथ जुड़ करके, मेटल के साथ जुड़कर उसको वोलेटाइल बना देगा, और इंप्योरिटी नॉन वोलेटाइल है तो वो तो नीचे रह जाएगी। तो मेटल ये सब्सटेंस आया, जुड़ के एमएस बना दिया जो कि वोलेटाइल है, इसीलिए लो टेम्परेचर पर वेपर बन के ऊपर आ गया। तो ये तो वेपर में ऊपर आ गया, अब इंप्योरिटी नीचे रह गई, अब वापस एस को अलग करना है इस सब्सटेंस को, तो हाई टेम्परेचर दे दिया जाता है, तो वापस से एम एस, तो ये नॉन वोलेटाइल था, ये नीचे आ गया और ये वोलेटाइल फॉर्म में ऊपर है निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस किसके लिए काम में लिया जाता है? तो ये काम में लिया जाता है जैसे टाइटेनियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, समझ रहे हो ना, निकल हो गया, तो इनके लिए तो वान आर्केल मेथड काम में लिया जाता है, थोरियम वगैरह इनके लिए, और इसके लिए मॉन्ड प्रोसेस काम में लिया जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर दे रखा है? ये रहा निकल, मॉन्ड प्रोसेस। कैसे? देखो निकल कैसा है, इम्प्योर है, ये भी नॉन वोलेटाइल है, इसकी इंप्योरिटी भी नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसमें क्या मिला दिया, 4CO लो टेम्परेचर पे, तो ये क्या बना देगा, NiCO4। ये कैसा है, वोलेटाइल है, अब हाई टेम्परेचर दे दो तो निकल अलग है और ये तो वेपर बन के निकल जाएगा, अब ये आपका प्योर कंडीशन में बच जाएगा। मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए? निकल के लिए। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? निकल। नेक्स्ट, इन द मेटलर्जी ऑफ जिंक फ्लक्स इज नॉट यूज्ड बिकॉज, ये कह रहा है जिंक के धातुक्रम में गालक का यूज क्यों नहीं होता? देखो फ्लक्स वहां काम में लिया जाता है जहां पर इंप्योरिटी नॉन फ्यूजेबल होती है, मतलब दुर्गलनीय होती है, आसान से पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती है। तो इसमें तो पिघलाने विघलाने की जरूरत ही ना है, क्योंकि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गई, तीनों ही वोलेटाइल मेटल है। कैसी हैं? वोलेटाइल। तो इनको तो पार्शियल डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे ना, क्लियर, क्योंकि इम्प्योरिटी क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और ये वोलेटाइल है। तो जब इनको हीट दोगे तो इम्प्योरिटी से पहले तो ये वेपर फेज में आपको मिल जाएंगी ना, इस वजह से यहाँ पे फ्लक्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये रहा, ये वोलेटाइल है इसलिए आसानी से इजीली सेपरेट हो जाता है, क्लियर। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बाहर से मिलाया गया वो सब्सटेंस होता है जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी के साथ जुड़कर उसको फ्यूजिबल बनाता है, मतलब दुर्गलनीय इम्प्योरिटी को गलनीय इम्प्योरिटी बनाता है, जिसको आप स्लैग कहते हो, धातुमल या कीट कहते हो, क्लियर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन pertaining to the formation of the slag। यह बताना है कि जब आप ब्लास्ट फर्नेस में आयरन का क्या करते हो, एस मेल्टिंग करते हो या उसका रिडक्शन करते हो, तो कौन सी रिएक्शन है जो स्लैग बनाती है। ये रहा, ये तो आपका है फ्लक्स, कैल्शियम ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का है, तो ये बेसिक फ्लक्स है। एसिडिक इंप्योरिटी को दूर करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसलिए एसिडिक है, तो ये आपकी इंप्योरिटी है और यह आपका स्लैग है जिसको धातुमल या कीट कहा जाता है, तो इसी की बात कर रहा है ये, क्लियर। नेक्स्ट, फ्लक्स इज यूज्ड टू रिमूव, फ्लक्स देखो फ्लक्स क्या होता है, नॉन फ्यूजेबल इंप्योरिटी को फ्यूजेबल बनाता है। तो फ्लक्स आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एसिडिक फ्लक्स, जैसे SiO2 हो गया, ये एक एसिडिक फ्लक्स है, ये बेसिक इंप्योरिटी को दूर करता है। हमेशा ध्यान रखना जो सब्सटेंस मिला रहे हो उसकी जो भी नेचर है वही फ्लक्स है, जैसे ये एसिडिक नेचर का है इसलिए इसको एसिडिक फ्लक्स कहते हैं। एसिडिक फ्लक्स हमेशा बेसिक इंप्योरिटी को दूर करता है, कैसे, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड ये इंप्योरिटी है तो ये फ्यूजेबल नहीं है, तो सिलिका ये आपका एसिडिक फ्लक्स है, इसके साथ मिलेगा और CaSiO3 स्लैग, ये बना लेगा फ्यूजेबल है, अलग हो जाएगा। ऐसे दूसरा आता है बेसिक फ्लक्स, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको हो गया कि ये तो इंप्योरिटी थी, तो हर में इंप्योरिटी थोड़ा, ये मान लो किसी में सिलिका की इंप्योरिटी है तो वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का काम कर जाएगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता कि ये फ्लक्स ये दूसरे की इंप्योरिटी नहीं बन सकती, एक की इंप्योरिटी दूसरे के फ्लक्स का काम भी कर सकती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का है, बेसिक फ्लक्स है, ये एसिडिक इंप्योरिटी को अलग करेगा, इसकी जब रिएक्शन होगी तो वही चीज, ये तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स है और SiO2 आपकी इंप्योरिटी होगी और ये मिल गए CaSiO3 स्लैग बन जाएगा, ऐसे, क्लियर। एक होता है न्यूट्रल फ्लक्स, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपका उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं और कंडक्टेंस को बढ़ाते हैं। ये काम किसका है, न्यूट्रल फ्लक्स का। कौन हो सकता है, जैसे ये क्रायोलाइट Na3AlF6 फ्लोरोस्पार CaF2, ये जो हॉल हेराल्ड प्रोसेस में एल्यूमिना का जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाया जाता है तो एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए और उसकी कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए ये मिलाए जाते हैं। यह है न्यूट्रल फ्लक्स, क्लियर। तो आपका आंसर क्या है, एसिडिक इंप्योरिटी को भी हटाएगा ये, बेसिक को भी हटाएगा, ठीक है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर। नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ पायराइट इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज कॉल्ड, यह कह रहा है पायराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना कहलाता है, तो रोस्टिंग। फिर हीटिंग ऑफ और इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिमूव सल्फर इंप्योरिटी, या एयर की प्रेजेंस में सल्फर की इंप्योरिटीज को हटाना, यह प्रोसेस क्या होता है, रोस्टिंग। मतलब सल्फाइड औरों के लिए रोस्टिंग काम में लिया जाता है, मतलब जैसे पायराइट की बात कर लिया तो Cu(Fe)S2, इसके लिए रोस्टिंग मतलब एयर की प्रेजेंस में गर्म करना है आपको, तो Cu2O Fe2Cu2S Fe और SO2 ये प्रोडक्ट आपके बनने वाले हैं। क्लियर? तो ये किसके लिए काम में लिया जाता है? जैसे जिंक सल्फाइड है O2, तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, मतलब सल्फाइड और के लिए हमेशा रोस्टिंग काम में ली जाती है। और जो कार्बोनेट और हो गए जिनमें पहले से ऑक्सीजन है, मतलब जैसे कार्बोनेट और हो गया आपका, क्लियर है, सल्फेट और हो गया आपका, क्लियर है, इन सब के लिए आपकी क्या काम में लिया, या हाइड्रेटेड और हो गया, ऑक्साइड, इनके लिए आपका क्या काम में लिया जाता है? कैल्सिनेशन काम में लिया जाता है। क्लियर? तो आपका आंसर यहां पे क्या आएगा? ये रोस्टिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। थॉमस स्लैग, कैल्शियम फॉस्फेट थॉमस स्लैग होता है, वेस्ट मटेरियल ऑफ स्टील इंडस्ट्री। क्लियर? जब आयरन की मेटलर्जी करते हैं ना आप, तो वहां पे जब एस मेल्टिंग की जाती है तो वहां से एक थॉमस स्लैग आपका बेसिमराइजेशन, भाई आयरन की मेटलर्जी करने के बाद में पिग आयरन को फिर आप क्या करते हो? बेसिमराइजेशन आप जहां वहां पे करते हो, बेसिमीकरण जहां किया जाता है वहां पे थॉमस स्लैग आपको मिलता है। क्लियर? तो ये है वो थॉमस स्लैग। नेक्स्ट जो फर्टिलाइजर का काम करता है, ये ध्यान रखना, विच इज नॉट ए बेसिक फ्लक्स, ये रहा सिलिका एसिडिक नेचर का है, इस वजह से ये बेसिक फ्लक्स नहीं है। इसको तो आप टेम्परेचर दो, CaO और CO2, ये रहा बेसिक फ्लक्स है, लाइम बेसिक फ्लक्स है, और ये खुद ही लिख रहा है बेसिक फ्लक्स है। क्लियर? नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच इज मिक्सड विद द और फॉर रिमूवल इम्प्योरिटीज इज ट्रीटमेंट टर्म्ड एज, वह पदार्थ जो एस्क में अशुद्धियों के निष्कासन हेतु फ्लक्स, अरे ये तो खुद इंप्योरिटी है गैंग। कैटेलाइसिस तो रिएक्शन को क्या करता है? इफेक्ट डालने के लिए, मतलब कि प्रमोट करने के लिए, या फिर समझ रहे हैं, तो कैटेलाइज तो क्या किया जाता है? रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए काम में लिया जाता है। स्लैग क्या है? ये तो खुद इंप्योरिटी है, मतलब क्या होता है? इंप्योरिटी प्लस फ्लक्स, ये मिलके क्या बनाते हैं? आपका स्लैग बनाते हैं। तो मिलाया क्या? इंप्योरिटी हटाने के लिए फ्लक्स, अभी पढ़ा था ना, तो आंसर फ्लक्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ कैल्सिनेशन इन द मेटलर्जी ऑपरेशन इज, तो ये हमेशा हाइड्रेटेड और के लिए की जाती है। जैसे कि अपन बात ले लें, हाइड्रेटेड और ले लो कोई भी, ZnCO3 जैसे अपन बात करें, Al2O3 ले लो, 2H2O है, हाइड्रेटेड है, इसमें वाटर है, तो ले लो कैल्सिनेशन, मतलब इसमें क्या किया जाता है? कैल्सिनेशन में O2 की एब्सेंस में हीट दी जाती है। क्लियर? तो ये लो, इस प्रकार कार्बोनेट को बिल्कुल ZnCO3 हीट दे दो, ZnO+CO2, ये हो गया। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी अलग करने के काम में आती है। तो ये सारे प्रोसेस है। क्लियर? एक तो होती है रोस्टिंग, एक कैल्सिनेशन, इनको समझ लो। दोनों में क्या डिफरेंस है? कैल्सिनेशन तो एयर की एब्सेंस में, और रोस्टिंग O2 की प्रेजेंस में हीट दी जाती है। क्लियर? कैल्सिनेशन होती है वो आपके ऑक्साइड और हाइड्रेटेड और कार्बोनेट और सल्फेट और ऑक्सीजनेटेड और जितने भी हैं जिनमें पहले से ऑक्सीजन है उनके लिए कैल्सिनेशन, और सल्फाइड औरों के लिए हमेशा रोस्टिंग काम में ली जाती है। क्लियर? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों लास्ट में ही ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, दोनों ही रिवर्बरेटरी में होती हैं। तीसरी, दोनों में ही जो और होता है उसको इनडायरेक्ट मेथड से गर्म किया जाता है। सीधे गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट मतलब इधर आग जला रही है, बर्नर लगा दिया इधर, यहाँ से क्या होगी? हॉट एयर आएगी, वो हॉट एयर इसको गर्म करेगी, मतलब डायरेक्टली हीट इसको नहीं दी जाती है। इसमें हाई टेम्परेचर रखा जाता है, लेकिन इसको मेल्ट भी नहीं होना चाहिए, इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बट लो ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट, ए सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैंग टू फॉर्म फ्यूजिबल मिनरल इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि एक पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है, अभी बताया था फ्लक्स। क्लियर? नेक्स्ट, पर्पज ऑफ एस मेल्टिंग ऑफ एन ओर इज, एक एस के प्रगलन का उद्देश्य क्या है? रिडक्शन करना। अरे पहले कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, उसके तुरंत बाद में एस मेल्टिंग काम में ली जाती है। तो वो किस लिए ली जाती है? जो ऑक्साइड और है उसका क्या कर सको आप? रिडक्शन कर सको। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कार्बन काम में लिया जाता है एस मेल्टिंग में। ठीक है, तो आ जाइए रिड्यूस इट। क्लियर? नेक्स्ट द रिएक्शन है। क्लियर? ये रिएक्शन देर के इज द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ जिंक इज कॉल्ड, सल्फाइड और है O2 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर लगा देना, O2 की प्रेजेंस में इसको हीट दे रहा है। ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे हीट का साइन आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अरे अभी बताया था रोस्टिंग, एयर की प्रेजेंस में हीट देना, रोस्टिंग किसके लिए? सल्फाइड और के लिए। क्लियर? नेक्स्ट कैल्सिलेशन मैंने आपको बता ही दिया। कपलेसन, कपलेसन का और देख लो फिर यहीं पे। कपलेसन उनके लिए काम में ली जाती है जिसमें बोन एस का बना हुआ होता है ये कंटेनर। किसका बना होता है? बोन एस का। और यहाँ पे उनके लिए काम में ली जाती है जिनमें इंप्योरिटी की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नेचर ज्यादा हो, जैसे लेड अर्जेंटीफेरस, ये लो। अब यहाँ पे क्या होता है? एजी के अंदर मान लो लेड की इंप्योरिटी है, तो आपको इसको इस कंटेनर में होल्स होते हैं, बोन एस का बना होता है, यहाँ से हॉट एयर आएगी, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके PbO और PbO2 बना लेगा। तो कुछ तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा, यही एडजॉर्ब कर लेगा, और कुछ यहाँ से वेपर फेज में निकल जाएगा, और प्योर एजी आपका यहाँ मिल जाएगा। तो ये क्या है? कपलेशन है। क्लियर? एस मेल्टिंग आपको पता है, तो आपका यहाँ पे ये क्या था? रोस्टिंग था। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज ऑफ ऑन सिग्निफिकेंस फॉर रोस्टिंग सल्फाइड और टू दी ऑक्साइड एंड नॉट सब्जेक्टिंग दी सल्फाइड और टू कार्बन रिडक्शन डायरेक्टली। ये कह रहा है सल्फाइड एस को सीधे कार्बन से अपचयन न करके पहले उनका वर्जन किया जाता है। रीजन क्या होता है? देखो, अगर सल्फाइड का सीधे करेंगे कार्बन से तो क्या बनेगा? मेटल और CH2। और अगर ऑक्साइड बना लिया और फिर करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल प्लस CO2। तो हमेशा ध्यान रखना इसके कंपैरिजन में ये वोलेटाइल ज्यादा होती है, तो ये आसानी से निकल जाती है, तो रिएक्शन मोर फॉरवर्ड होती है, तो ये फास्टली होगी और इजी होगी, कम खर्चा आएगा। क्लियर? दूसरी चीज, सल्फाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं थर्मोडायनामिकली, कम स्टेबल होते हैं, तो ये इधर जाना ही नहीं चाहते। क्लियर? क्योंकि मोर स्टेबल है। तो आ जाओ, पहला तो कह रहा है CO2 इज थर्मोडायनामिक, बिल्कुल CO2 है ना वो थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपेरिजन में, तो ये बात तो सही है। धातु सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड्स आर लेस स्टेबल देन क्रॉसबॉन्डिंग होना, ये बात गलत है, और यही पूछा है, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर CO2 बिल्कुल ये मोर वोलेटाइल है CH2 के कंपैरिजन में, तो ये बात तो सही है ना, अपने को तो इनकरेक्ट देखना है, तो ये भी सही है, इनकरेक्ट सिर्फ ये हुआ है। मेटल सल्फाइड आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, बिल्कुल CH2 से थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल है, तो उधर नहीं जाना चाहते ये, तो ये बात भी सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट, मेट कंटेन मेनली, मेट में क्या होता है? CuS और FeS, यही तो होता है ना कॉपर मेट, ये आ गया Cu2S, सॉरी Cu2S प्लस FeS। नेक्स्ट, वेन कॉपर पायराइट इज रोस्टेड इन एक्सेस ऑफ एयर मिक्सचर ऑफ CuO FeO इज फॉर्म्ड, FeO इज प्रेजेंट एंड इम्प्योरिटी, दिस कैन बी रिमूव्ड ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ CO। जब CO का रिडक्शन किया जाता है तो FeO इंप्योरिटी को अलग कैसे करेंगे? ये बेसिक है, तो एसिडिक मिला दो SiO2 तो क्या बन जाएगा? FeSiO3 फ्लक्स, तो इसमें एसिडिक इंप्योरिटी मिलाई जाती है SiO2। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ब्लास्ट फर्नेस में एंडोथर्मिक कौन सा है? ये थ्री कर लेना इसको भाई, प्रिंटिंग में एरर है, ये लो, इसको हीट देनी पड़ती है तब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी होती है वो एंडोथर्मिक होती हैं। बाकी यहाँ पे कंबसन हो रहा है, ये रिडक्शन आपका कैसा होता है? यहाँ पर एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये भी आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट, ए मेटल ऑब्टेन डायरेक्टली बाय रोस्टिंग ऑफ इट्स सल्फाइड और, सल्फाइड एस्क से वर्जन के द्वारा सीधे ही धातु, तो ये होती है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्यों? इसको आप सिनेबार को रोस्टिंग करो तो ये क्या बनाता है HgO प्लस SO2, लेकिन ये लेस स्टेबल होता है, ये तुरंत Hg प्लस O2 में आपका टूट जाएगा। इसलिए इसके डायरेक्ट रिएक्शन हमेशा यही लिखी जाती है Hg प्लस SO2 प्लस O2, बैलेंस नहीं कर रहा हूं। तो डायरेक्टली मेटल कौन सा बनाता है Hg। क्लियर? बाकी ये डायरेक्टली नहीं होता, इसमें जब इसके सल्फाइड और की जाती है तो ये बनता है Cu2O प्लस SO2, फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं Cu2S प्लस Cu2O और फिर 6Cu प्लस SO2, ऐसे बनता है। ऐसे ही PbO की बात करें तो ये भी PbS प्लस O2 तो बनता है PbO प्लस SO2, फिर ये इसके साथ रिएक्शन करता है PbS प्लस PbO और ये मिलके बनाते हैं Pb प्लस, ऐसे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और जिंक की बात करें तो जिंक में क्या होता है, जिंक सल्फाइड है, वो रोस्टिंग की बात करें तो सल्फाइड और का ही होगा, इसलिए ये काम में ले रहा हूँ। O2 की प्रेजेंस में हीट करो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, फिर इसका कार्बन के द्वारा रिडक्शन करवाएंगे तब जाके आपकी क्या बनेगी मेटल। तो आपका आंसर कौन सा हो गया Hg। क्लियर? नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए मोल्टन मिक्सर, तो इसमें Al2O3 होता है, बिल्कुल सही बात। कैल्शियम फ्लोराइड होता है एंड ये गया Al2O3 KF नहीं, Al2O3 क्रायोलाइट फ्लोरिस्फार, दैट इज राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय कार्बन इज, निम्न में से कौन सी धात्विक ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा धातु को अपचयित नहीं करते। लो, इसको तो किया जा सकता है, Pb प्लस CO2 बन जाएगा, इसको भी कर सकते हो Fe प्लस CO2 बन जाएगा, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, इसको भी कर सकते हो Zn प्लस CO2 बन जाएगा, लेकिन अगर इसका कार्बन के द्वारा करोगे तो Al4C3 प्लस CO यह बनेगा, तो ये बनेगा। और आपको पता है ये क्या है, मेथेनेलाइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको पता है क्या बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4, मिथेन गैस निकलती है, तो ये कार्बाइड बना लेता है, इसलिए इसका इससे नहीं करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाया जाता है। क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा है ये, इसको आप कार्बन के द्वारा सीधे अपचयन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मेटलर्जी ऑफ, किस धातु के धातुग्रह में एल्यूमिनोथर्मिक विधि। देखो PbO इसका तो कार्बन के द्वारा रिडक्शन करेंगे, एल्यूमिनोथर्मिक विधि का उपयोग किया जाता है किसके धातुग्रह में, एल्यूमिनियम तो वहां रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, एजी के लिए तो साइनाइड प्रोसेस काम में लेते हैं, ये भी नहीं है, ये रहा Cr2O3 और इसके लिए एल्यूमिनियम काम में लिया जाता है, तो ये बन जाएगा Al2O3 प्लस, तो आपका आंसर ये रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे। तो एल्यूमिनोथर्मिट विधि किसके लिए काम में ली जाती है, क्रोमियम की मेटलर्जी के लिए काम में ली जाती है। क्लियर? एल्यूमिनियम तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम में आ रहा है यहाँ। Which metal cannot be obtained from electrolysis of its aqueous salt solution? तो आ जाइए, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स है ना, उनको कभी भी उनके एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से आप ऑब्टेंड नहीं कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल वाटर से कम होता है, ज्यादा होता है, सॉरी डिस्चार्ज पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैग्नीशियम, ये ECS में ऊपर आती है, नेगेटिव SRP मेटल, जितने भी नेगेटिव SRP मेटल है ना, उनका अगर एक्वस सॉल्यूशन काम में लोगे ना तो कैथोड पर तो हमेशा H2 बनेगी और एनोड पर तो ये एनाइन है Cl2 बनेगी। क्लियर? जबकि जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लो, एक्वस तो ये कैसा है, पॉजिटिव SRP है, इस वजह से कैथोड पर खुद मेटल आएगी और एनोड पर ये लार्ज आयन है तो O2 आ जाएगी। तो मतलब पॉजिटिव एसआरपी वाले को ये एक्वा सॉल्यूशन से बनाया जा सकता है, नेगेटिव एसआरपी वाले को नहीं। नेगेटिव एसआरपी सिर्फ इसकी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, फ्रॉम द एलिंघम ग्राफ ऑन कार्बन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कार्बन पर एलिंघम ग्राफ के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? आ जाओ, इनका एलिंघम डायग्राम देखना। ये बना देता हूं थोड़ा। इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर डेल्टा जी 0 है, ऊपर पॉजिटिव में है और नीचे नेगेटिव में। क्लियर? तो कार्बन का तो एलिंघम डायग्राम कैसे जाता है? यो ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड का कैसे जाता है? यो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहां करते हैं? ये ऊपर वाला तो है CO प्लस, ये है C प्लस, क्लियर? तो देखिए जो नीचे होता है ना वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है ना इसकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, और इसमें जैसे जैसे ग्राफ नीचे आ रहा है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। CO2 एक एक हो जाएगा, ये तो CO। ये तो होता है ना इनका एलिंघम डायग्राम। अब आ जाओ पीछे। 900 ये कह रहा है CO2 इज मोर स्टेबल देन CO एट लेस देन 983। तो आ जाइए, 983 से टेम्परेचर अगर कम है तो नीचे ग्राफ किसका है? CO2 का। तो CO2 ज्यादा स्टेबल है, CO कम स्टेबल है। तो अपना ऑप्शन क्या कह रहा है? CO2 इज मोर स्टेबल देन CO, कि CO2 ज्यादा स्टेबल है CO से, 983 से कम। बिल्कुल CO2 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका ग्राफ नीचे है। फिर CO रिड्यूज Fe2O3 Fe एट लेस देन 983 केल्विन पर CO रिड्यूज, बिल्कुल नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट। तो इससे कम टेम्परेचर पर नीचे ग्राफ किसका है? CO का। तो CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। CO इज लेस स्टेबल देन CO2 एट मोर 983। तो इससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो ज्यादा हो गया तो ज्यादा स्टेबल CO है। तो आ जाओ, CO इज लेस स्टेबल। गलत बात, CO तो ज्यादा स्टेबल है, इससे ज्यादा टेम्परेचर जाते हैं क्योंकि CO का ग्राफ अब क्या है? नीचे। तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट देना था, ये आ गया। CO इज रिड्यूज Fe2O3 टू Fe रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन का टेम्परेचर हमेशा 983 से कम होता है, तो वहां पे हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का काम CO ही करेगा। तो ये बात भी आपकी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई प्योरिटी कॉपर मेटल इज ऑब्टेन्ड। हाई प्योरिटी से अगर लेना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। ये रहा, क्या लिया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। नेक्स्ट, केमिकल रिडक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर ए कन्वर्टिंग। रासायनिक अपचयन उपयुक्त किसके लिए नहीं है? तो रासायनिक अपचयन का मतलब कार्बन के द्वारा रिडक्शन करना है। तो आ जाइए, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का अगर कार्बन से रिडक्शन करवाएंगे तो ये बन जाता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो इसी के लिए फेवरेबल नहीं है। बाकी क्यूप्राइट के लिए भी ये काम में ले सकते हो, हेमेटाइट के लिए भी काम में ले सकते हो, और जिंक के लिए भी ले सकते हो। मतलब कि Cu2O के लिए काम में लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, ये Cu प्लस CO2 बना देगा। अगर आप हेमेटाइट के लिए काम में लेना चाहो तो ब्लास्ट फर्नेस में लेते ही हैं काम में, तो ये बना देगा Fe प्लस CO2। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड के लिए भी आप कार्बन के द्वारा रिडक्शन करवा सकते हो, जिंक प्लस CO2। तो किसके लिए काम में नहीं ले सकते? सिर्फ इसके लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बाइड बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, थर्माइट प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल। थर्माइट विधि का उपयोग धातु के निष्कर्षण में होता है। बिल्कुल, वेन दियर ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, जब किसी के ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम। थर्माइट विधि में एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट काम में आता है। तो ये फर्स्ट ही आपका करेक्ट है, क्लियर। फिर और देख लो आगे वाले, वेन दियर कार्बोनेट डू नॉट यील्ड ऑक्साइड बाय थर्मल डिकम्पोज, तो कार्बोनेटों के लिए तो ये काम में नहीं लिया जाता, तो ये तो कह नहीं सकते कि भाई कार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं कर पा रहे तो थर्माइट विधि उसको डिकम्पोज कर देगा, नहीं। दूसरा सल्फाइड, पहले ऑक्साइड के लिए काम में आता है ये भी, तो सल्फाइड अगर रोस्टिंग से ऑक्साइड बना ही नहीं पाया है तो उसका फिर थर्माइट कैसे काम में लोगे ना, ये बात भी सही नहीं है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट वालों के लिए भी ये काम में नहीं लेते, उनके लिए तो कार्बन ही काम में आएगा फिर ब्लास्ट फर्नेस में, क्लियर। तो आपका कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, फर्स्ट। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन क्रोमियम फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड से क्रोमियम लेना है तो कौन सा मेथड काम में लोगे, ये रहा एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। अभी तो बताया था ना, इसमें क्या होता है Cr2O3 की आप एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा Cr Al2O3, क्लियर। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, वही नॉन वोलेटाइल है इंप्योरिटी और ये एक ऐसा सब्सटेंस मिला है कि ये वोलेटाइल हो गया फिर हाई टेम्परेचर पे तोड़ के अलग कर लिया, वेपर फेज स्टेज वाला ही तो है ना ये वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। तो ये आपका कौन सा है, टाइटेनियम के लिए, जर्कोनियम के लिए, थोरियम के लिए, यूरेनियम के लिए, इन सब के लिए वान आर्केल मेथड काम में लिया जाता है, ये वान आर्केल मेथड है। ज़ोन रिफाइनिंग तो सेमीकंडक्टर के लिए, पोलिंग आपका कॉपर लेड इनके लिए काम में आता है जब उनमें उन्हीं के ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है। फिर कपलेसन बताया था, जिनमें इंप्योरिटी की ऑक्सीजन से बॉन्डिंग ज्यादा होती है, जैसे Ag+Pb के लिए काम में लेंगे क्योंकि Pb इंप्योरिटी है जिसकी ऑक्सीजन से बॉन्डिंग ज्यादा है। तो ये भी मैंने समझा दिया, तो आपका कौन सा आएगा, वान आर्केल मेथड आएगा। नेक्स्ट, ज़ोन रिफाइनिंग मैंने अभी बताया था सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्लियर। नेक्स्ट, सिल्वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए अर्जेंटीफेरस लेड कॉन्टेनिंग, ये कह रहा है कि लेड कॉन्टेनिंग अर्जेंटीफेरस के लिए कौन सा मेथड काम में लोगे, कपलेसन मेथड समझाया था ना पहले, ये रहा। इसमें वही बोन एस से बना हुआ होता है, Ag+Pb, हॉट एयर यहां से पास की जाती है तो ये बना देता है PbO और PbO2, तो कुछ को तो ये एडजॉर्ब कर लेगा और कुछ इंप्योरिटी में निकल जाएगी। ये तब काम में लेंगे जब आपकी और इंप्योरिटी की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नेचर अलग हो, मतलब कि इंप्योरिटी की बॉन्डिंग ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तब काम में लेंगे ये मेथड। तो आपका ये आ गया। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज यूज्ड टू, इम्प्योर मेटल का क्या बनाया जाता है, एनोड। देखो क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल होती है ना उसका तो बना लेंगे इम्प्योर मेटल, उसका तो बनाया जाता है एनोड। मेटल सॉल्ट यहां पे काम में लिया जाता है, जिस मेटल का एनोड बनाया ना उसी का सोल्ट यहां काम में आएगा। और ये प्योर मेटल का क्या बनाएंगे, कैथोड। और जैसे ही करंट पास करेंगे इसमें तो क्या होगा, मेटल यहां M+ में आएगी और इस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये तो मोटा होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा। और यहां पे एनोड मड है, इंप्योरिटी होती है वो एनोड मड के रूप में यहाँ पे नीचे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, जिसमें जैसे Ag हो गया, Au हो गया, जो लेस रिएक्टिव होती हैं बहुत, पैलेडियम हो गया, ये प्लेटिनम हो गया, ये नीचे जमा हो जाएंगे, जिनको बोलते हैं एनोड मड। तो इम्प्योर मेटल का क्या बनता है, एनोड, प्योर मेटल का कैथोड। और जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना होता है उसी का सॉल्ट काम में लिया जाता है। एनोड के नीचे जो इंप्योरिटी आती है उसको बोला जाता है एनोड मड, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटलर्जी इन्वॉल्व लीचिंग, लीचिंग किसके लिए काम में ली जाती है, साइनाइड प्रोसेस, याद करो बताया था, दोनों के लिए लीचिंग मेथड काम में आता है, कंसंट्रेशन का एक टर्म से। नेक्स्ट, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन धातु के निष्कर्षण का हाइड्रो धातुक्रम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे साइनाइड प्रोसेस नहीं होता क्या, उसमें कॉम्प्लेक्स ही तो बना रहे थे ना, तो लीचिंग मेथड वाला ही है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट, इसको आप समझ भी लो। जैसे एयू का करना हो तो NaCN काम में ले लिया, H2O काम में ले लिया, O2 के प्रेजेंस में, वही आपका क्या बन जाता है NaAuCN2OH- ये, समझ गए ना। तो देखो हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड है जिसके अंदर है कॉम्प्लेक्स बन रहा है। फिर जिंक मिला दो Na2ZnCN4+Au, ये प्योर। तो कौन सा मेथड आ गया ये आपका हाइड्रो, इसी को बोलते हैं हाइड्रो, आपका हाइड्रोमेटलर्जी। और ये किस पर है? कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट, मेथड यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाईली प्योर सिलिकॉन यूज एज सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के लिए तो ज़ोन रिफाइनिंग सोचना ही नहीं है, ये रहा ज़ोन रिफाइनिंग। क्लियर? नेक्स्ट, द मेथड ऑफ ज़ोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने बताया था ना कि इम्प्योरिटी होती है वो आपकी सॉलिड की बजाय लिक्विड स्टेज में या मोल्टन फॉर्म में ज्यादा सोल्यूबल होती है। आ जाइए, ये कह रहा है ग्रेटर सोल्यूबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट देन इन सॉलिड। बिल्कुल यही प्रिंसिपल है। क्लियर? तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट। करेक्ट देखना है आपको। आ जाइए, कह रहे गैलेना, ये ना गैलेना तो होता है PBS, ये क्या है फिर? ये है मैग्नेटाइट। फिर केसिटेराइट गलत, ये तो है डोलोमाइट। तो केसिटेराइट क्या होता है? केसिटेराइट होता है टिन का और है SNO2 जिसमें वॉल फॉर्माइट की इंप्योरिटी होती है। डोलोमाइट ये रहा केसिटेराइट, डोलोमाइट ये है डोलोमाइट। तो मैग्नेटाइट ये रहा, बिल्कुल मैग्नेटाइट MgCO3, ये आपका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पे देखना है। पहला कह रहा है हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस NiO निकल ऑक्साइड। बिल्कुल इससे रिडक्शन कर सकते हैं आप। क्या बनाएगा? NiH2O। बिल्कुल ये आपका सही है। जर्कोनियम इज रिफाइंड बाय वान आर्केल। बिल्कुल टाइटेनियम, जर्कोनियम इनके लिए ज़ोन रिफाइनिंग मेथड काम में लिया जाता है। सही बात है। फिर है सल्फाइड एस के गैलेना को, बिल्कुल सल्फाइड और के लिए आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड काम में आता है। फिर कह रहा है आयरन की मेटलर्जी में SiO2 ना, इसको फ्लक्स काम में नहीं लेते। अगर ये ले लेंगे तो ये फिर तो आपका आयरन को क्या बना देगा? FeSiO3 नहीं, तो वहां काम में लिया जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें इंप्योरिटी होती है इसकी, तो आयरन में इंप्योरिटी होती है सिलिका की, और फ्लक्स काम में लिया जाता है ये, तो बन जाता है CaSiO3 स्लैग। समझे? तो आपका कौन सा ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट ही आपको यहां आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग एलिंघम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना। एलिंघम आरेख को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग एल्यूमिना के अपचयन में किया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम डायग्राम में जो एल्यूमिनियम से नीचे आती है मेटल, वो अच्छी रिड्यूसिंग मेटल मानी जाती है। तो देखो जब इनका एलिंघम डायग्राम बनाएंगे ना, तो एल्यूमिनियम का तो ये आएगा Al2Al+O2Al2O3। आयरन का इससे ऊपर रहेगा, जिंक का यहां रहेगा ZnO। देखा जाए कॉपर का तो यहां रहेगा सबसे कम, ये तो कॉपर के लिए आएगा, कॉपर +O2 का आ गया। फिर ये आयरन का आ गया, ये सॉरी उसका हाँ जिंक का, और ये आयरन का आ गया, और ये मैग्नीशियम का आ गया। तो नीचे वाला ऊपर वाले का रिडक्शन कर सकता है, तो मैग्नीशियम रिडक्शन करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो इसको काम में लिया था। एलिंघम डायग्राम देख लेना ये, क्लियर। नेक्स्ट, इन द एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कब से बता रहा हूं, एल्यूमिनोथर्माइट में ये रिड्यूसिंग एजेंट का, कैसे, जैसे Fe2O3 ले लो, इसका एल्यूमिनियम से मैंने करवा दूं तो क्या बनता है Al2O3 प्लस Fe। तो देखो ये तो प्लस 3 से किस में गया है, जीरो में, तो इसका तो क्या हुआ है रिडक्शन, और ये जीरो से गया है प्लस 3 में, इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ये आपका क्या हो गया है रिड्यूसिंग, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्लियर। नेक्स्ट, Among the following statement the incorrect one is, incorrect देखना है, ये कह रहा है केलेमाइन और सिडेराइट है, इनकरेक्ट देखना है, केलेमाइन और सिडेराइट कार्बोनेट और है, तो देख लेते हैं केलेमाइन क्या होता है ZnCO3, बिल्कुल ये बात तो सही है। सिडेराइट क्या होता है FeCO3, ये भी कार्बोनेट और है, ये बात तो सही है भाई। नेक्स्ट, अर्जेंटाइट Ag2S सल्फाइड और है, क्यूप्राइट Cu Fe Cu Cu2, ये ऑक्साइड हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट ही आपका फॉल्स है, क्लियर। दोनों यहाँ पे ऑक्साइड और नहीं है, ये सल्फाइड और आ गया। जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड ZnS सल्फाइड और है। पायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट ले लो चाहे आयरन पायराइट ले लो, दोनों के दोनों कैसे हैं सल्फाइड और है, तो जिंक ब्लेंड भी सल्फाइड और है, पायराइट भी सल्फाइड और है, ये बात सही है। मेलेकाइट और एजुराइट और ऑफ कॉपर, कॉपर के और है, बिल्कुल सही Cu CO3 और Cu, ये लो कॉपर का और ही तो है मेलेकाइट, और एजुराइट बताना हो तो यहाँ 2 लगा दो, तो ये भी कॉपर का ही और है। तो आपका कौन सा आंसर है यहाँ पे, थर्ड, सॉरी सेकंड, सेकंड आंसर आपका गलत है, क्योंकि अर्जेंटाइट आपका सल्फाइड और है, क्यूप्राइट ऑक्साइड है, जबकि दोनों को यहाँ पे ऑक्साइड बोल रहा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम बाय होल हेराल्ड प्रोसेस इज कैरिड आउट। होल हेराल्ड विधि द्वारा एल्यूमिना से विद्युत अपघटन अपचयन द्वारा एल्यूमिनियम बनाने में प्रयुक्त होता है। तो आपको पता है क्रायोलाइट की उपस्थिति में, जो कि इसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, कम करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट, रोस्टेड गोल्ड और, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां आ जाओ तो इसके साथ कराओगे तो एक्स बनेगा, गोल्ड दे रहा है रोस्टेड और, मतलब कि AU की बात कर रहा है, तो यहां पे एक्स बन जाएगा AuCN2- ये तो एक्स हो गया। फिर जिंक मिला दोगे तो जिंक बन जाएगा आपका ZnCN4-2, कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है, ये आ गया आपका जिंक ब्लेंड, तो इसमें O2 तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और SO2, फिर रिडक्शन बाय कार्बन तो Zn प्लस CO2, तो पहले तो रोस्टिंग और फिर रिडक्शन, तो रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन, पहले रोस्टिंग और फिर उसके बाद में रिडक्शन बाय कार्बन, तो आपका सेकंड। नेक्स्ट, सल्फाइड और आर कॉमन फॉर द मेटल्स, सल्फाइड और में कौन पाया जाता है, एक तो ये रहा अर्जेंटाइट, कॉपर ग्लांस मान लो या कॉपर पायराइट, गैलेना मान लो, ये पाए जाएंगे सल्फाइड और में। यहां पे ये दो तो सल्फाइड और में हो जाएंगे, लेकिन ये ऑक्साइड और बनाता है, वैसे ही यहां पे ये आपका ऑक्साइड और बनाता है, ये दो तो सल्फाइड बना देंगे। यहां पे देखा जाए ये सल्फाइड बना देगा, ये कार्बोनेट और होता है, कार्बोनेट या फिर हेलाइड, और ये सल्फाइड बना देगा, तो तीनों तो सिर्फ यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फेन पलवन विधि द्वारा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक सांद्रित, फेन पलवन से, फ्रॉथ फ्लोटेशन से, सल्फाइड और पहला आ गया सिडेराइट FeCO3, ये तो कार्बोनेट है, इसका तो लेविगेशन करेंगे। गैलेना PVS बिल्कुल, ये सल्फाइड और है, इसके लिए काम में लिया जाएगा। मैग्नेटाइट Fe3O4 है, ये तो ऑक्साइड और है। मेलेकाइट CuCO3CuOH, ये भी आपका कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड है, सिर्फ सल्फाइड और के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन काम में लिया जाता है, तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट, द और दी कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर, मतलब ऐसा और जिसमें आयरन भी हो और कॉपर भी हो। ओहो, आ जाओ देखते हैं। मेलेकाइट CuCO3CuOH2, डोलोमाइट MgCO3 और CaCO3, ये रहा CuFeS2, आयरन भी है और कॉपर भी है। एजुराइट, ये एजुराइट हो जाएगा 2CuCO3CuOH, तो कौन सा है ये। नेक्स्ट, मैच करना है फर्स्ट को सेकंड के साथ। सिडेराइट, सिडेराइट क्या होता है भाई, FeCO3, तो ये तो किसका है, आयरन का, तो इसके लिए तो C। फिर केओलेनाइट, ये होता है आपका Al2O3SiO2 और H2O2, एल्यूमिनियम का है ये, तो ये किसका है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का है D। इसको कई बार यूं भी लिख देता है भाई, देख लो Al2SiO2OH, Al2SiO2OH H2O, यूं भी लिख देता है कई बार इसको, या फिर यूं दे देता है Al2Si2O5OH4, कैसे भी दे सकता है, कुल मिला के एल्यूमिनियम का हो रहा है। क्लियर। फिर मेलेकाइट, मेलेकाइट क्या होता है आपका CuCO3 और CuOH, तो ये तो कॉपर का हो रहा है। मेलेकाइट कहाँ गया, कॉपर, B। फिर केलेमाइन, केलेमाइन आपको पता है ZnCO3, तो ये जिंक का और है, तो पहले में तो C, दूसरे में D, फिर B और फिर ये आपका थर्ड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेलेकाइट कॉपर, अरे रे 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 रे, थर्ड में भी, हाँ सही है, मेलेकाइट कॉपर। एक बार मैच कर लो फिर से, फर्स्ट में C, सेकंड में D, थर्ड में B, सही है। ओके, नेक्स्ट, द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कौन सा, सल्फाइड वाला कैल्सिनेशन नहीं देता, ये रहा। बाकी ये भी कैल्सिनेट, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, ऑक्साइड हाइड्रेटेड के लिए और कार्बोनेट के लिए, इनके लिए कैल्सिनेशन काम में, जिनमें पहले से ऑक्सीजन हो उनके लिए तो कैल्सिनेशन, और सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग, ये रोस्टिंग है। नेक्स्ट, तो केमिस्ट्री पंच का 19वें एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड कम्स फ्रॉम ए पर्सन एक्स, यह कह रहा है जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है उसका आइडिया एक पर्सन एक्स है, उससे आया है। एंड दिस मेथड इज रिलेटेड टू द प्रोसेस वाई, और ये जो मेथड है वो प्रोसेस वाई से रिलेटेड है, ऑफ और एक्स, ऑफ और की जो वाई प्रोसेस है उससे रिलेटेड है। एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली, एक्स और वाई क्या है, तो आ जाइए। वाशरमैन क्या करता है, कपड़े धोता है भाई, बिल्कुल बात सही है, कपड़े धोता है, तो वो क्या करता है, कपड़े में से धातु, कपड़े में क्या करता है, वो सोप और डिटर्जेंट मिलाता है पानी में, तो उससे क्या होता है आपका जो भी कपड़ा जब उसमें डालोगे उसकी जो भी चिकनाई होती है उसके चारों तरफ मिसेल फॉर्मेशन होता है, और उसको तैरा करके ऑयल को अलग ले आता है, कपड़ा साफ हो जाता है। मतलब एक प्रकार से ये क्या हो रहा है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, किस पे काम करता है, एडजॉर्प्शन थ्योरी पे, क्या है एक प्रकार से फ्रॉथ फ्लोटेशन ही तो हो रहा है ना, यहाँ झाग वाग बन रहे हैं और यहाँ से जो चिकनाई है ऑयल है उसको अलग किया जा रहा है। तो और ये कौन सा मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, एक कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, तो वो तो है एक्स तो वॉशरमैन है, तो उससे आइडिया है वॉशरमैन से जैसे वो कपड़े धोता है वैसे सल्फाइड ओरों को पानी में मिलाया जाता है, उसके अंदर फ्लोटिंग एजेंट मिला दिए, फ्रोथर एजेंट मिला दिए जाते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर और फ्लोटिंग एजेंट। तो जैसे साबुन कपड़े की धुलाई होती है ठीक उसी प्रकार से ये और को भी क्या किया जाता है यहाँ पे वॉशिंग की जाती है। देखो सिंपल सी चीज यूँ समझो, दोनों का कंपैरिजन करके देखो। इसमें क्या किया, पानी है साबुन वाबुन मिला दिए, तो जो कपड़ा होता है उसकी चिकनाई होती है, उसके चारों तरफ साबुन का हाइड्रोफोबिक पार्ट आके इकट्ठा होता है कि नहीं होता, और ऐसे चिकनाई अलग हो जाती है। ठीक वैसे ही कंसंट्रेशन जो टर्म्स होती है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड उसमें क्या होता है, और होता है उसके चारों तरफ क्रिसाइल ऑयल हो गया या पाइन ऑयल, उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट आके चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, मिशेल फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लोटिंग एजेंट आकर के इसको यहाँ से चिपका के अलग ले आता है। दोनों सेम प्रोसेस है ना, तो वो तो हो गया वाशर में वुमेन, और वो कंसंट्रेशन टर्म्स है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का हमें आ रहा है तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स है। आपका सेकंड आंसर ठीक है। ये आपका एपिसोड 19 कंप्लीट। अब आपका एक एपिसोड और बचा है, 20वां एपिसोड कौन सा, जिसमें अपन पीपलों का डिस्कस करेंगे, तो जल्दी वो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर, बस आपको सीएलसी के साथ बने रहना है, साथ के साथ पढ़ते चलो। एग्जाम में पोस्टपोन्ड हुई है इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसिल हो गई है, तो बस अपनी स्टडी को बीच के अंदर लूज मत डाल देना, बस जिस कंटिन्यूटी से पहले पढ़ते आए हो ना बस पढ़ते रहिए, और आपको जल्दी जेईई मेन के पेपर्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।